एलोरा की गुफा में स्थित कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मंदिर से जुड़े कई रोचक तथ्यों को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा, जिसका मराठी नाम वेरुळ है। सह्याद्री के कठोर बासाल्ट पत्थर के चट्टानों में 100 से भी ज्यादा हिंदू, बुद्ध और जैन गुफाएं हैं, जिन्हें 600 से 1000 ईस्वी के मध्य बनाया गया है। और इन गुफाओं में सबसे प्रमुख है कैलाश मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही दीवारों पर हुई नक्काशी और कलाकारी को देखकर मैं तो अचंभित हो गया था। मंदिर एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। यह अपने आकार, वास्तु और मूर्ति कला के कारण दुनिया के सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। कैलाश मंदिर भारत के प्राचीन वास्तुकला और तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है जो टूटी हुई अवस्था में है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर की भव्यता का तो केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मंदिर का सटीक पूर्व पश्चिम अलाइनमेंट वाकई में चकित कर देने वाला है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि बासाल्ट के चट्टानों में बने कैलाश मंदिर को बनाने में 200 वर्ष लगे और लगभग 4,00,000 टन पत्थर निकाले गए। आश्चर्य की एक और बात यह है कि आसपास उन पत्थरों का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। आखिर इतने पत्थर गए कहां? मंदिर के दोनों तरफ बना 100 फीट से भी ऊंचा स्तंभ निर्माणकर्ताओं की श्रेष्ठता का एक और प्रमाण है। ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1000 सैनिकों को मंदिर तोड़ने के लिए भेजा। 3 वर्षों तक मंदिर को तोड़ने का अथक प्रयास किया गया, किंतु वो ऐसा करने में विफल रहे। मंदिर के मुख्य मंडप के छतों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और रामायण महाभारत का उल्लेख है। मंदिर के बेस में कई विशालकाय हाथियों की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो मंदिर को हाथियों ने नीचे से सपोर्ट कर रखा है। ऊपर से नीचे तक एक ही चट्टान को काटने के लिए हर एक डिजाइन और माप की योजना बहुत ही सटीक रूप से बनाई गई होगी, क्योंकि एक बार कट जाने के बाद किसी भी अतिरिक्त पत्थर या चट्टान के टुकड़े को जोड़कर इसे बदलने का कोई भी मौका नहीं था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि आज की टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट के साथ आज भी इस प्रकार की अग्रिम संरचना बनाना असंभव है। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि 200 साल तक मंदिर के निर्माणकर्ता केवल एक ही नक्शे या प्लानिंग पर काम करते रहे, जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे समर्पित लोगों को
मेरा शत शत नमन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।